बकरा देखने के लिए क्योंकि बकरीद आ रही है। एक दो बकरे यहाँ पर आए। अभी हम रुके हैं सिग्नल पर विधानसभा के पास। हम आ चुके हैं चामराजपेट के बकरा मंडी के पास। बहुत सारे बकरों को लाकर यहाँ पर सेल कर रहे हैं। बगैर सिंगों वाले भी हैं, सिंग वाले भी हैं। 28,000 बता रहे हैं यहाँ पर। कम रोड के पास यहाँ KFC है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू समीना ब्लॉग। कैसे आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैर से हूँ। और यहाँ से जो है तैयार होकर जा रहे हैं बकरा मंडी के पास। तो अभी जा रहे हैं बकरा देखने के लिए क्योंकि बकरीद आ रही है इसलिए। और साथ साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वहाँ पे क्या प्राइस हैं, किस तरीके के बकरे मिल रहे हैं और सारा कुछ जो भी वहाँ पर होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये वीडियो एंड तक देखिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। ये बच्चे हमारे तैयार हो रहे हैं। ये तलहा, रूमी और रईसा, रईसा भी पैक पैक उठाकर रेडी हो चुकी है। साथ में तनसर भाई और मेरी बहन, हम सभी लोग अभी लिफ्ट का वेट कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ से निकलते हैं अभी और लिफ्ट आ गई। मेरी बाइक देखिए यहाँ पर रुकी है। साथ में एक दो बकरे यहाँ पर ऑलरेडी आए हुए हैं और उस तरफ भी थोड़े से बकरे हैं। इस अपार्टमेंट के नीचे कितना खूबसूरत जोड़ा है। तो मेरे साथ कौन कौन आ रहा है अभी है? चलो जल्दी बैठ जाओ। ये तीनों मेरे साथ आने के लिए एक्साइटेड है और मेरी बहन एक को जो है अपनी गाड़ी में बिठाने के लिए बोल रही है। जाओ तलहा, जाओ डैडी के पास। अभी हम रुके हैं सिग्नल पर विधानसभा के पास। मेरे साथ रुम्मी और वालेकुम अस्सलाम। तो तनसीर भैया है, मैं उनको फॉलो करके जा रही हूँ। हम जा रहे हैं चामराजपेट। तो ये देखिए आगे हमारे विधानसभा आएगा, उसके सामने का ये सिग्नल है। हम लोग अभी यहाँ पर रुके हैं। हम आ चुके हैं चामराजपेट के बकरा मंडी के पास। तो चलिए यहाँ का व्यू आप लोगों को दिखाऊंगी। पीछे मैंने अपनी बाइक को पार्क किया है। तो अभी अंदर जा रहे हैं इस मंडी के। यहाँ पर ये खुला मैदान है, ये पूरा यहाँ खुतबे की जो है नमाज पढ़ाई जाती है। वहाँ पर जो है बहुत सारे बकरों को लाकर यहाँ पर सेल कर रहे हैं। मंडी बनी हुई है, ये देखो आज बहुत सारा रश भी हुआ है। लोग जो है ख़रीदने के लिए हर जगह से आए हुए हैं, बेंगलुरु के अंदर से। तो आगे हमारे देखिए यहाँ पर पहला वाला बकरा हमें नज़र आया है जिसके सींग भी हैं। तो हमारे सराउंडिंग में देखिए सारे जगह पर जो है बकरे एक जो है सेल हो रहा है। आगे जा रहे हैं बकरा देखने के लिए। यहाँ पे सारे बंधे हुए हैं और जाकर उसका प्राइस जानते हैं अभी के हैं। अभी यहाँ पर हमें मिलेंगे हर टाइप के बकरे। यहाँ देखिए ये कुछ, ये सारा जो है यहाँ पर इनको बांधा हुआ है। ये सेल होने के बकरे हैं जो गाँव से लाकर लोग यहाँ पर सेल करते हैं। ये कुछ शाम का भी व्यू हुआ है। यहाँ पर पुलिस जो है अभी लोगों को हटा रही है क्योंकि क्राउड ज़्यादा हुआ है। कैसे मेरे पीछे रो रही है, बकरों का डर कर रो रही है। अभी एक बकरा हमने यहाँ देखा है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा वाला है। तो हमने देखा है, अभी ये देख रहे हैं, इसके सींग देखिए कितने खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा है। और भी सारे हैं यहाँ पर, ये देखो बगैर सिंगों वाले भी हैं, सिंग वाले भी हैं। ये सारी जगह पर जो है ज्यादातर सिंग वाले बकरे हैं। इसका क्या रेट? दो भी मिला के 50 पर 7,000। ये भी है 50 पर 7,000। क्यूट से देखिए, बगैर सिंग वाले छोटे छोटे ऐसे बकरे यार। देखिए ये सारे जो है इनका कद जो है छोटा है। बस मैं देखती हुई जा रही हूँ और साथ में आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। 20 पर 8,000। 20 पर 8,000 एक बकरा। तो इसका रेट देखिए यहाँ पर हमने पूछा है 28,000 इसका रेट बता रहे हैं। तो इनका एक रेट जो है 28,000 बता रहे हैं यहाँ पर। बस आ गए हैं यहाँ पर। देखिए इनका हाइट और इनकी गर्दनें देखिए कितनी लंबी लंबी वाली है। उस तरफ सारे छोटे वाले थे, अभी ये थोड़ा सा बड़े वाले हैं। तो इनका रेट पता नहीं है। ये क्या रेट का है? ये 35 रेट बता रहे हैं, 35,000। अगर हम लोग केजी के हिसाब से लेंगे 450 के हिसाब से हमें मिलेगा। इस बकरा मंडी में आकर विजिट करके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे रेट पता चल रहे हैं, बकरों की अलग अलग वैरायटी पता चल रही है। सारे लोग जो है अभी खरीदने के लिए आए हैं। ये देखिए रईस की डर कर रो रो कर हालत हो चुकी है क्योंकि बकरा जो है सामने एकदम से आ गया था और ये डर भी रही है यहाँ पर।
और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। रेट देख रहे हैं अभी, फाइनल नहीं किया। देखिए ये छोटा सा कितना खूबसूरत सा ये बकरा है, इसको यहाँ पर बांधा है हमने, इसके साथ बहुत सारी तस्वीरें ली है। बहुत ही ज्यादा क्यूट है, इन बच्चों की तरह सबको यही पसंद आया है यहाँ पर। ये देखो हम लोग छी छी कर इसको खिला कर जो है फोटो शूट कर रहे हैं। तलहा भी डर रहा है यहाँ पर, देखिए ये देखो तलहा डर रहा है, अभी ये खा रहा है यहाँ पर घास। ये देखो डर डर कर जो है इसको घास खिला रहे हैं यहाँ पर। पीछे ये जो बकरा है बहुत ही हमें पसंद आया, बहुत खूबसूरत। और ये देखो रईसो डर डर के उसको अभी घास खिलाने के लिए जा रहे हैं। चलो रईसो आ जाओ आ जाओ, ये डर डर के इसको थोड़ा थोड़ी से ये खिला रहे हैं यहाँ पर। सराउंडिंग में सारी जगह जो है अभी आधे जो यहाँ पर ऑलमोस्ट सेल हो चुके हैं। ये देखिए सारा ग्राउंड खाली हो गया है, अभी ईद नजदीक है तो रेट के हिसाब से जो भी बन पड़ रहा है लोग लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर जो है रेट्स बहुत ज्यादा हाई हैं, अभी तो देख रहे हैं, अभी कोई भी फाइनल नहीं किया। दो तीन जो है यहाँ पर पसंद आए हैं हमें। देखिए इस तरह इसको झुमट करके यहाँ पर खड़ाया हुआ है, बोली चल रही है, जो भी लोग ले रहे हैं गाड़ियों में रखकर लेकर जा रहे हैं। ये कुछ यहाँ पर बोली चल रही है लोगों की, जहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाया वहाँ पर बोली चल रही है। 80,000 को एक मेंबर ने 6 जो है 6 जो है बकरों को फाइनल किया है। रेट थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है, एक जगह 37,000 में बता रहे हैं एक बकरा, मतलब अलग अलग बकरे की अलग अलग वैरायटी का रेट है यहाँ पर। तो रेट कोई भी यहाँ पे हमें सही नहीं लगा। अभी इवनिंग टाइम हो चुका है, हमने डिसाइड किया है एक और जगह जाएंगे, अगर आज हुआ तो आज जाएंगे क्योंकि बारिश का मौसम हो चुका है, या नहीं तो कल जाएंगे किसी और मंडी पर जाकर देखेंगे। हमारे घर के नियरेस्ट भी एक मंडी खुली हुई है और वहाँ जाकर देखते हैं। वहाँ से हम लोग निकल गए थे, अभी जो है खाने पीने की डिमांड हो गई इन बच्चों की, फ्राइज और एक कुछ है नगेट्स, इसलिए हम लोग आ चुके हैं अभी KFC में। अभी हम आ गए हैं कनिकम रोड के पास, यहाँ KFC है, तो अभी यहाँ पर हम कुछ खाने के लिए आए हैं अपने स्नैक्स। बच्चों ने रास्ते में ही जो है डिमांड कर दिया था कि उन्हें कुछ खाना है, तो चलिए अंदर चलते हैं और ऑर्डर देते हैं अपना। बड़ी बच्चे सभी जाकर बैठ गए हैं, मैं भी चलती हूँ अंदर। अभी मैं हैंड वॉश कर लूंगी और दोनों जो है अंदर जा चुकी हैं, दोनों रईस और रूमी। अभी हमारा ऑर्डर आ चुका है, ये देखिए हमने बर्गर और यहाँ पर चिकन और जूसेस ये सारा ऑर्डर किया था, तो आ चुका है। अभी चलिए टेस्ट करते हैं, चलिए अभी खाते हैं। हमने यहाँ पर अपना मील जो है सारा कुछ खा लिया है और निकल रहे हैं घर की तरफ। तो घर को आ चुके हैं, रास्ते में जो है बहुत सारी बारिश हुई इस वजह से लेट हो गए। तो आज का चलिए वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो कल हम फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।